मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। राशिफल का वीडियो आप देखना शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का पूजा का सामग्री खरीदना चाहते हैं या फिर वास्तु दोष को मिटाने वाले कुछ सामान खरीदना चाहते हैं या धार्मिक पुस्तकें किसी भी प्रकार की अच्छी क्वालिटी का खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का ये सभी चीज़ें मिल जाएगा जिसे मैंने अपने खुद के अनुभव से परखा है, तो एक बार निश्चित तौर पर ट्राई करें। आइए अब देखते हैं आज का राशिफल। ये राशिफल है गुरुवार 27 जून 2019 का। अगर हिंदी कैलेंडर यानी कि अपने पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 अषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, जो कि आज सुबह के 5:46 तक रहेगा। उसके बाद दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र राज रहने वाला रेवती, जो कि सुबह के 7:43 तक रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्रत त्योहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हम जानेंगे कुल 12 राशियों का आज का राशिफल, साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय, अशुभ समय, दिशाशूल, शुभ खाद्य, भाग्यवर्धक उपाय, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए शुभ रहेगा और राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण राशिफल का लाभ उठावें। जिन मित्रों को भी अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है वे हमें कमेंट बॉक्स में ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरण लिख के दें, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म का स्थान, अपने जन्म का समय और अपने जन्म की तिथि, जिसे देखकर हम आपकी कुंडली को देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी सही राशि क्या है, ताकि आप अपना सटीक राशिफल रोज सुबह धर्म शिक्षा चैनल पर देख पाएं। मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये राशिफल पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हों तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं, इससे पहले आइए जानते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही पूरा का पूरा राशिफल निर्भर करता है। आज चंद्रमा मेष राशि में, शुक्र वृष राशि में, राहु सूर्य के साथ मिथुन राशि में, मंगल बुध के साथ कर्क राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शनि केतु के साथ धनु राशि में है। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिला जुला हाल आज के राशिफल में हम जानेंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने से बड़े अधिकारियों का सहयोग आज मिलेगा। आज आप मधुर वाणी बोलिए, मीठा बोलिए, आपके सारे काम बनते रहेंगे। आज के दिन आपको अपने पिता का भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा, आपका मनोबल भी बना रहेगा। आज आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, किसी से भी आज अपनी दिल की बात शेयर ना करें, खास करके ऐसी कोई बात जो आपको हानि पहुंचा सकता हो। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज नए व्यापार के लिए भी अच्छा दिन है, व्यापार में आपको लाभ होगा, आमदनी आपकी बढ़ेगी, साथ ही बचत भी आपकी बढ़ेगी। आज आपको आय के नए स्रोत विकसित करने में भी सफलता मिल सकती है, नए वस्त्र और आभूषण खरीदने के योग भी बन रहे हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा नकारात्मक रह सकता है, आपको आलस्य और निंद्रा आ सकती है, तो आलस्य और निंद्रा का त्याग कर इन पर विजय पाएं और अपना ध्यान अपने पढ़ाई पर लगाएं। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है, तो उनका ख्याल रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो पति पत्नी के बीच आज किसी प्रकार की गलतफहमी दूर हो सकती है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। आज के दिन अगर मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है पीला रंग। बात करेंगे वृष राशि की, वृष राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं, आपकी कोई महत्वाकांक्षा भी आज पूरी हो सकती है। आज दिन आप व्यस्त रहेंगे, किसी फालतू के काम के कारण भी आपका समय बर्बाद हो सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और अपना समय अपने कार्य क्षेत्र में ही लगाएं। आज आपके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी, आज आप अपनी मन की करने की भी कोशिश करेंगे। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार में जोखिम लेने से आपको बचना होगा, किसी को अगर आपने पैसे उधार दे रखे हैं तो पैसे आपको वहां से भी मिल सकते हैं। जो जातक दलाली का काम करते हैं उन्हें आज नुकसान भी हो सकता है, आज आपका खर्च आपके आय से अधिक हो सकता है। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है, मेहनत करें आपको सफलता की प्राप्ति होगी।
स्वास्थ्य की बात करें तो किसी पुराने रोग से आपको छुटकारा मिल सकता है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा कुल मिलाकर। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के व्यवहार से सावधान रहें, अचानक से कोई प्रतिक्रिया ना दें, रिश्तों में इससे खटास उत्पन्न भी हो सकती है। आज के दिन अगर चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है गहरा लाल रंग। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आपको कार्यों में सफलता की प्राप्ति भी होगी। ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। आज अगर आप अच्छी योजना बनाकर कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। आज जो भी कार्य करें धैर्यपूर्वक करें, दिन भर आपका मन खुश रहेगा। संतान की तरफ से भी आपको कुछ अच्छी खबर आज मिल सकती है। आज अगर घर में कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। व्यापार और धन की बात करें तो आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में भी तरक्की की संभावना बनेगी, लेकिन साथ ही ऑफिस में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वस्त्रों के खरीद में आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो परिवार में खुशहाली का वातावरण भी बना रहेगा। विद्यार्थी की बात करें तो जो जातक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, उनको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें, आज आपके जीवन साथी ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। आज के दिन अगर मूंग की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है गुलाबी रंग। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, साथ ही आपके कोई परिजन आज आपसे नाराज भी हो सकते हैं। आज अपने वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना की संभावना बन रही है। साथ ही आज आपकी भावनाएं आप पर हावी भी हो सकती है, जिससे आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। नए वाहन खरीदने का मन आपका बन सकता है, मकान भूमि का सुख भी मिल सकता है। जो जातक खेलकूद से संबंध रखते हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। महिला जातकों के लिए आज उन्नति का अच्छा अवसर भी बनेगा। बात करें व्यापार और धन की तो व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है, निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं, महिला जातकों के आय में वृद्धि होगी। विद्यार्थी की बात करें तो जो जातक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का समय अच्छा है, सफलता उनको मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज सिर में आपके दर्द रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य आज बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है, और यह आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा भी रहेगा। आज के दिन अगर चावल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है पीला रंग। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा आज पांचवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आप घर तथा ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज आपका ज़्यादातर समय आपके शुभचिंतकों के साथ बीतेगा। किसी से आज आपको कुछ उपहार भी मिल सकता है, कहीं यात्रा पर जाने के योग भी बन सकते हैं। किसी पर भी आज अपनी बात थोपने की कोशिश ना करें, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। व्यापार और धन की बात करें तो आज आपको व्यापार में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी निवेश करने से बचें। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी बन सकती है, उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है, आपकी आय में वृद्धि होगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है, मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट संबंधी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज मसालेदार खाने और बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और प्यार आपको मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी बनेंगे। आज के दिन अगर गेहूं से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है हल्का ऑरेंज रंग। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके कोई राज सार्वजनिक हो सकते हैं, तो सचेत रहें। किसी पर आज आक्रामक होने के बजाय शांति से भी काम लें, आपके दोस्तों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है, साथ ही आज वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। व्यापार और धन की बात करें तो आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बच्चों से जुड़े मामले में पॉजिटिव रहेंगे तो आपको फायदा होगा। आज व्यापार में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को आज सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा,
जो विद्यार्थी कॉमर्स के फील्ड के हैं उन्हें मेहनत से ज़्यादा फल की प्राप्ति भी हो सकती है। आज स्वास्थ्य की बात करें तो महिला जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहना होगा। आपके जीवन साथी का ध्यान भी आपको आज रखना होगा। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी को समय दे पाएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा भी रहेगा। आज के दिन अगर चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है लेमन कलर। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में चंद्रमा आज सातवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आप अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। आज आप पर काम का लोड ज़्यादा रह सकता है। आज अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, यह क्रोध आपको हानि भी करा सकता है। बेरोजगार जातकों को किसी मित्र के सहयोग से आज नौकरी लग सकती है। परिवार के किसी विशेष चिंता का समाधान भी आज हो सकता है। सरकारी कार्यों से आपको सफलता भी मिलेगी। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में नई योजना बन सकती है जिससे आपको फायदा होगा। आज आप लेन देन में सावधानी बरतें। अगर निवेश करना हो तो निवेश अनुभवी लोगों के सलाह विचार से ही करें। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई पर कम लगेगा। कुछ विद्यार्थी आज अपने परीक्षा परिणाम से असहमत भी रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो सांस से संबंधित कोई परेशानी रह सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज जीवन साथी से अनबन की संभावना बन रही है, तो अपने आप पर नियंत्रण रखें, संबंध अच्छे बनाए रखें। आज के दिन अगर चावल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है हल्का पीला रंग। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप बात करने की आपकी कला से आपके रुके हुए और बिगड़े हुए काम आज बन सकते हैं। सीधी बात कहेंगे तो आपको फायदा होगा। नए कामकाज की प्लानिंग भी हो सकती है। आज के दिन अगर किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो सोच समझ कर करें। परिवार या फिर पैसे से जुड़ी हुई परेशानियाँ आज आपको आ सकती है। मन में थोड़ी घबराहट भी रह सकती है। विवादों से आपको आज बचना चाहिए। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकता है। खर्च आपका बढ़ सकता है। पैसे की दिक्कत भी बनी रह सकती है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज कुछ सीखने का अच्छा अवसर बनेगा। वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक अशांति बनी रह सकती है। किसी प्रकार की चिंता भी रह सकती है। थकान और आलस्य भी बना रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका दिन आज अच्छा बीतेगा। जीवन साथी से सम्मान और प्यार आपको मिलेगा। आज के दिन अगर मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है गुलाबी रंग। बात करेंगे धनुराशि की। धनुराशि में चंद्रमा आज नौवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और आप इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी का निर्वाह भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आसपास के लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। मकान या काम करने के जगह के विषय में बदलाव का मन आपका हो सकता है। आपका पूजा पाठ में भी आज मन लगेगा। वाहन या जमीन खरीदने का योग भी बन सकता है। आज आप मानसिक शांति का भी अनुभव करेंगे। जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार या नौकरी में आपको आज फायदा होगा। कहीं अगर आपने पैसे निवेश कर रखे हैं तो फायदे आपको वहां से भी हो सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कुछ अध्ययन करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें आप ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी या मौसमी रोग होने की संभावना है, तो आपकी मानसिक शांति आज अस्थिर भी रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव या विवाह का योग आज बन सकता है। आज के दिन अगर अरहर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है केसरिया रंग। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि में चंद्रमा आज दसवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आपकी रहन सहन की स्थिति में आज सुधार आ सकता है। कुछ सामाजिक कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आज अपना काम आप जितनी विनम्रता से करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी से वाद विवाद भी आपके हो सकते हैं। आपके यहाँ किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है। आपके बच्चों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी आज मुलाकात हो सकती है। लंबी यात्रा करने से बचें। व्यापार और धन की बात करें तो आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही खर्च भी आपका बढ़ेगा। आपके बचाए हुए पैसों में भी कमी आ सकती है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को आज थकान और आलस्य महसूस हो सकता है। इन दोनों पर विजय पाने की कोशिश करें। सफलता आपको तभी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो अपने
स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट संबंधी छोटी मोटी बीमारियों से आज पीड़ित रह सकते हैं, गैस हो सकता है, बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताएं, कहीं घूमने जाएं, इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के दिन अगर लोहे के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग आने वाला है हल्का हरा रंग। बात करें कुंभ राशि की, कुंभ राशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन सकता है, तो आपस में सामंजस्य बनाए रखें। मित्रों का सहयोग आज भरपूर मिलेगा आपको। आज आप अपने मन की बात किसी से शेयर ना करें, आज हो सकता है आपकी गतिविधियों पर कोई और भी नज़र रख रहा हो, तो सावधान रहें, अपनी हर रोज की आदतों से आज बचें। माता पिता का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार और धन की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। आपका आर्थिक बजट आज थोड़ा डगमगा सकता है, तो खर्च पे अपने नियंत्रण रखें, आज आपके खर्च ज़्यादा हो सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगेगा, जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ति भी अवश्य होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा, जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद आपके हो सकते हैं, तो आज के दिन थोड़ा संभल कर रहें, मधुर वाणी बोलें, विवादों से बचें। आज के दिन अगर कुछ तला हुआ भोजन करते हैं तो आपके शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है पीला रंग। बात करेंगे मीन राशि की, मीन राशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज के दिन आप अपने करियर में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं, आज का बनाया हुआ योजना आपको कल सफलता की प्राप्ति करा सकता है। जो जातक मकान या भूमि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं उनकी खोज आज पूरी हो सकती है। आज पूरे दिन आप अपने पारिवारिक काम में भी व्यस्त रह सकते हैं, धार्मिक कार्य और पूजा पाठ में आपका मन आज लगेगा। आज आपको मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। बात करें व्यापार और धन की, तो कहीं पैसे निवेश करते समय आज के दिन थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, तो अगर कहीं भी पैसे निवेश करना हो तो नियोजित ढंग से करें, अनुभवी लोगों के सलाह से करें, बड़े बुजुर्गों के मशवरे के बाद करें। आज के दिन खर्च आपके बढ़ सकते हैं, साथ ही जमा किए हुए पैसों में भी कमी आ सकती है, लेकिन आय के स्रोत में बढ़ोतरी भी आज संभव है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, विद्यार्थीगण अपने बीते हुए समय में जितना मेहनत किए होंगे उसका फल उनको अब मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है, जीवन साथी के साथ कुछ हल्की नोक झोंक आपकी आज हो सकती है, लेकिन सब कुछ बाद में सामान्य हो जाएगा। आज के दिन अगर अरहर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है केसरिया रंग। तो मित्रों ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि गुलिकाल रहेगा सुबह के 8:54 से लेकर 10:39 तक। इस समय में कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहेगा दोपहर के 2:08 से लेकर 3:53 तक। इस समय में कुछ भी नया कार्य करने से बचें, असफलता हाथ लग सकती है। दिशाशूल रहने वाला है दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा आज ना करें। शुभ खाद्य आज का रहेगा जीरा, जीरे का 1-2 दाना खाकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनेंगे। मित्रों अब जान लेते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। मित्रों ग्रहों में गुरु ग्रह को सबसे बड़ा और प्रभावशाली माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति उच्च भाव में और मजबूत होता है तो इंसान बहुत प्रगति करता है। गुरु वैवाहिक जीवन और भाग्य का कारक ग्रह है। जिसके कुंडली में गुरु कमजोर हैं वे गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए या फिर इस ग्रह के दोष को कम करने के लिए ये उपाय करें। गुरुवार के दिन व्रत रखें, साथ ही पीले वस्त्र धारण करें और बिना नमक वाले भोजन करें। भोजन में पीले रंग की चीज़ें का उपयोग करें, जैसे कि बेसन की लड्डू, आम आदि, जो भी पीले रंग का खाद्य पदार्थ होता है वो खाएं, केला। इससे गुरु ग्रह के प्रभाव जो होते हैं कुप्रभाव वो कम होते हैं और हमें सुख समृद्धि जीवन में मिलती है। तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।